नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आज मैं उपस्थित हूं आपके लिए ई सर्विस बुक की जानकारी लेकर। तो साथियों, आज के वीडियो में हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि आपको आपकी सर्विस बुक को IHRMS पोर्टल पर जो ऑनलाइन होती है उसके लिए प्रथम बार लॉगिन कैसे करना है इस संदर्भ में। लेकिन साथियों, मैं इसी चैनल पर सर्विस बुक ऑनलाइन करने से संबंधित सभी जो आवश्यक जानकारियां हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो लॉन्च करूंगा। आपको जहां जहां भी समस्या आती है उस चीज़ को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। मैं आने वाले दिनों में पूरी सीरीज सर्विस बुक ऑनलाइन की इसी चैनल पर लॉन्च करने वाला हूं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस हम सीखेंगे कि आपको फर्स्ट टाइम IHRMS पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है उसकी प्रक्रिया मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप चलिए सीधे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको आ जाना है सबसे पहले क्रोम ब्राउजर के सर्च बॉक्स पर, और यहां पर लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूं, सेम टू सेम IHRMS, यह लिखकर आपको सर्च करना है। अब आप जैसे ही सर्च करोगे इस तरह का अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। अब साथियों, हमें यहाँ इस प्रश्न में थोड़ा सा ढूंढना, हो सकता है आपके सामने पहले ही आ जाए, लेकिन आपको ढूंढना है IHRMS.RAJ.NIC.IN जैसा कि यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है। साथियों, ऐसा आपको लिखा दिखाई देगा तो आपको इस वाली साइट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अगला प्रश्न खुलकर हमारे सामने आएगा कुछ इस तरह से। साथियों, अब यहाँ मैं आपको कुछ टेक्निकल बिंदु जो है उसको आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ जूम करना है यदि आप मोबाइल पर कार्य कर रहे हैं तो। अब यहाँ साथियों एक ऑप्शन है हमारे सामने डाउनलोड का, तो इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने अन्य इस तरह के ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। यहाँ साथियों एक ऑप्शन हमें मिल रहा है PIS फॉर्मेट, तो आपको इस PIS फॉर्मेट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको जैसे आप इस पर क्लिक करोगे 23 पृष्ठ की आपकी जो जो भी सर्विस बुक में जानकारी मांगी जाएगी वो डाउनलोड हो जाएगी। उसे आप डाउनलोड करवा लें, उसके बाद उसमें आप पहले ऑफलाइन अपनी सूचनाएं इंद्राज कर लें बिल्कुल अच्छे से, उसके बाद ही आप इस पे आए और अपनी सर्विस बुक को ऑनलाइन करें। अब ये तो बात हुई साथियों ऑफलाइन कार्य की, अब हम बात करते हैं कि यदि आपको लॉगिन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े तो उसके लिए साथियों आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। यहाँ पर नोडल ऑफिस के हेल्प डेस्क नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे कांटेक्ट करें यदि कोई समस्या आ रही है तो, अन्यथा कांटेक्ट करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा यदि यहाँ से आपके पास जवाब नहीं आता है, पहले तो यहाँ से आपके पास जवाब आ जाएगा, उसके अलावा भी हमें एक ऑप्शन यहाँ अवेलेबल करवाया हुआ है कॉन्टैक्ट का, तो आप यहाँ क्लिक करके बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे, यहाँ मेल आईडी डिस्प्ले होगी। इन चीज़ों कि आप यहां से यदि आपको समस्या आ रही है तो इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं साथियों सीधे लॉगिन की ओर। तो यहां साथियों कोने में हमें दिया हुआ है लॉगिन, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से लॉगिन के लिए प्रश्न आ जाएगा। अब यहां साथियों ऊपर हमें ध्यान देना है लॉगिन नेम, लॉगिन नेम में हमें जो हमारी RJJW वाली आईडी है वही डालनी है। और यदि आप प्रथम बार लॉगिन कर रहे हैं तो पासवर्ड में भी आपको वही डालना है RJJW वाली अपनी आईडी। और यदि आपने पहले से ही लॉगिन कर रखा है और अपने पासवर्ड पहले ही डिज़ाइन कर रखे हैं तो आपके जो भी पासवर्ड हो आप यहां दर्ज कर दें। उसके बाद साथियों यहां जो ये कैप्चा कोड हमें दिया हुआ है, ये कैप्चा कोड हमें सेम टू सेम इस जगह यहाँ इंटर कर देना है। और उसके बाद अंत में हमें बिल्कुल यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। साथियों मैं भी पहली बार लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि आप जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो अगला प्रश्न आपके लिए कैसा आएगा। तो मैं उक्त जानकारी भरकर लॉगिन करता हूँ। इस तरह का अगला प्रश्न अब आपके सामने डिस्प्ले होगा। साथियों यहाँ बिल्कुल हमें ध्यान देना है, मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, करंट पासवर्ड में आपको आपकी जो RJJW वाली आईडी है वही डालनी है कैपिटल, और न्यू पासवर्ड में आपको क्या डालना है वो मैंने लेफ्ट हैंड की तरफ डिस्प्ले किया हुआ है। साथियों आपको यहाँ
कैपिटल लेटर भी डालना है, स्मॉल लेटर भी डालना है, स्पेशल कैरेक्टर भी डालना है और नंबर भी डालना है। कुल मिला के आपके 8 डिजिट के पासवर्ड नए जनरेट होंगे साथियों। तो वो मैंने लेफ्ट हैंड की तरफ आपकी सहायता तो डिस्प्ले किए हुए हैं, आप उनकी सहायता लेकर आपके जो भी मन में चलता है, जो आप याद रख सकते हैं, वो पासवर्ड डिज़ाइन कर लें। उसके बाद साथियों कन्फर्म पासवर्ड में भी आप वही डालेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, कैलेंडर बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, फिर डेट सेलेक्ट करनी है। अब साथियों बात करते हैं हम यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन की। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे आपके लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन की लिस्ट खुलकर आएगी। और साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप लिख कर रखें, किसी अपनी डायरी में लिख कर रखें, क्योंकि कभी भी जब आप पासवर्ड भूल जाओगे उस कंडीशन में आपके लिए वो सिक्योरिटी क्वेश्चन काम करेगा। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ लिस्ट खुलकर आ जाएगी कि आप कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन या आंसर डालना चाहते हैं, क्वेश्चन कौन सा सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल साथियों मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड नेम का। तो इसको आपको अपनी जो डायरी है उसमें लिखकर रख लेना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आंसर जो भी आपका चाइल्डहुड नेम हो या आप जो भी बनाना चाहते हैं, जो भी आपको उचित लगता है, वो आंसर आप डायरी में बिल्कुल स्पेलिंग सहित नोट करके रखेंगे। और उसके बाद यदि कभी पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो वो आपके लिए उपयोग में आएंगे। उसके बाद हम साथियों यहाँ पर जो सेम टू सेम जो ये कैरेक्टर दिए हुए हैं कैप्चा कोड, उसको हमें यहाँ एंटर कर देना है। फिर अंत में करना है साथियों यहाँ एक ऑप्शन हमें मिलता है सबमिट का, तो हमें यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेना है। साथियों मैं भी उक्त जानकारी भरता हूँ और करता हूँ सबमिट और बताता हूँ आपको आगे की प्रक्रिया। जैसे ही आप उक्त जानकारी को भरोगे इस तरह का अगला पॉपअप आपके सामने शो होगा साथियों, योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। तो आपको अब यहाँ जो ओके का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब साथियों जब आप ओके पर क्लिक कर लेंगे तो इस तरह का अगला प्रश्न आपको डिस्प्ले होगा, जहां आपको यदि आपने पहले ही आपकी सर्विस बुक को अपडेट किया होगा तो यहां पर आपकी पिक्चर भी डिस्प्ले होगी, आपका नाम वगैरह यहां आपको डिस्प्ले होगा। और यदि ये चीज़ आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है तो इस वीडियो में सिर्फ साथियों मैं आपको लॉगिन प्रक्रिया सिखाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, तो यही लॉगिन प्रक्रिया आपको अपनानी है। तो साथियों आज की वीडियो में आपने देखा कि IHRMS पोर्टल पर आपको सबसे पहले प्रथम बार लॉगिन कैसे करना है। मैंने बिल्कुल प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बताई है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं जो सर्विस बुक ऑनलाइन होती है उसके प्रत्येक बिंदु पर आपकी सहायतार्थ इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और जो भी आपको समस्याएँ सर्विस बुक ऑनलाइन करने में आती है उन्हें मुझे कमेंट करके बताते रहिए। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।